जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसलत लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। लाहौर खिलाड़ी का है ना ही बिजनेसमैन का। लाहौर जुल्फिकार भुट्टो का है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एन ए 127 में कारकुनों से खिताब। कहा जनरल ज़िया के मुसलत करदा लोग पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए, वो कभी ज़ियाउल हक की वजह से यहाँ पर मुसलत हुए, कभी फैज़ की वजह से आए, अब हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे, नवी की सियासत को दफन कर देंगे। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं देख रहे, आवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को आवाम तीर पर ठप्पा लगाएंगे। वजीर आजम भी जे आला होगा, वजीर आला भी जे आला होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा नून लीग के सिवा सबने आवाम को धोखा दिया, वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ आवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाजुन लाएंगे, आवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और एन ए 89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाप्त। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानब से बैरिस्टर अली जफर ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश हुए। इखलाकी पस्ती के मामले पर दलाइल ट्राइब्यूनल को रूबरू पेश किए, मौकफ अख्तियार किया कि तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इखलाकी पस्ती नहीं, मिस डेक्लेरेशन का मामला है, ये ना अहली में मुंतकिल नहीं हो सकता, ना अहली का फैसला अदालत कर सकती है, रिटर्निंग ऑफिसर को इसका इख्तियार नहीं, सजा मुअत्तल होने पर आर्टिकल 63(1)(h) भी नहीं लगती।